एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जइयो भोली घूंघट को मार के, भोला बन जइयो भोली घूंघट भोली बना ले। मैया अंदर गई, मैया अंदर गई और अंदर जाएगी एक साड़ी निकाल के लाई और बाबा की कमर से साड़ी बांधी। अब जैसे ही कमर से साड़ी बांधी अब बाबा की लंबी लंबी टांगे, हाँ साड़ी आए कि घुटनन पे रुक गई, नीचे पांव फिर खाली रह गए। माता कहने लगी, बाबा मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। बाबा कहते, परेशान क्यों हो रही है, परेशान क्यों हो रही है, दिक्कत क्या है? माता कहती है, दिक्कत तुम्हारी लंबी लंबी टांगे, बताओ क्या करें? बाबा कहते, देख परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोले, फिर चल तू जा, एक साड़ी और लेके अंदर से। मैया एक साड़ी और लेके आई, बोले अब इसे झुलट कर दे नीचे से। मैया कहने लगी, यही तो करती रहूंगी ना मैं। बाबा कहते, चुपचाप कर ले वरना नहीं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा मैं, जानती है भोला भी बहुत हूँ भाला भी बहुत हूँ। मैया ने जैसे तैसे नीचे से साड़ी जोड़ी और जैसे तैसे साड़ी पहनाई के पल्ला घुमाए के कंधा पे लेके आई और जैसे ही साड़ी बाबा के सर पे डाली, महाराज जैसे ही साड़ी बाबा के सर पे डाली और घूंघट मारो तो आगे को लंबी लंबी दाढ़ी और पीछे को लंबी लंबी जटा, दाढ़ी ढक जावे तो जटा घर जावे, दाढ़ी महाराज दाढ़ी ढक जावे तो जटा घर जावे और जटा ढक जावे तो दाढ़ी घर जावे। मैया बहुत परेशान, बाबा बाबा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे जाने दीजिए ना। बाबा कहते, दिक्कत क्या है? माता कहती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी। बाबा कहते, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोले, फिर बाबा ने क्या किया, दाढ़ी के बाल यूं लिए और यूं लेके दाढ़ी में यूं वहीं के वहीं ऐंठो लगायो और ऐंठो लगाए के वहीं के वहीं जुड़ा। बोले, अब चिंता करने की बात नहीं है। माता कहती है, बाबा। बोले, हाँ माना कि सब कुछ आपने छुपा लिया, लेकिन बाबा मर्द की एक चीज छुपने वाली नहीं है। बोले, क्या? तो माता बोली, सुनेगा, सब कुछ छुपा लिया है तुमने, अरे गंगा का पानी वो भी बड़ी है रानी, सब कुछ छुपा लिया है तुमने, अरे गंगा का पानी वो भी बड़ी है रानी, मर्दानी है जनानी। माता कहती है, बाबा सब कुछ छुप जाएगा लेकिन मर्द की एक चीज नहीं छुपने वाली है। बोले, क्या? माता बोली, सुनो, पकड़ी जाबो की भोला, पकड़ी जाबो की भोला, मर्दानी चाल से भोला बन जइयो भोली को मार के, भोला बन जइयो भोली को मार के। भोला बन जइयो भोली।
कहते से बाबा को भोला से भोली श्रृंगार कियो है, श्रृंगार कियो है महाराज। अब माता कहती है बाबा सब कुछ छुप जाएगा लेकिन मर्द की एक चीज नहीं छुपने वाली। बोले क्या? बोले चाल कहाँ ले जाओगी? बाबा कहते देख परेशान होने की बात नहीं है, आगे आगे तू चलिए धीमे ही धीमे धीमे ही धीमे तैसे ही आगे आगे तू चलिए पीछे पीछे मैं चलूंगा धीमे ही धीमे धीमे ही धीमे धीमे धीमे। बोले ठीक है अब भैया आगे आगे मैया पीछे पीछे बाबा, जब तक याद रही तब तक तो धीमे 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 चले और जैसे ही भूल गए तैसे भाई फिर जल्दी जल्दी वाली चाल। माता तो बहुत पीछे रह गई, बाबा बहुत आगे निकल गए। माता ने आवाज लगाई अजी अरे सुनते हो? बाबा ने पीछे लौट के देखा अरे राम राम, जो तो बहुत ही बड़ी गलती है। माता कहने लगी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बता रही हूँ लौट जाओ लौट जाओ। मैया कहने लगी बाबा मेरी जर्सी नाक कट जाएगी वहां। बाबा कहते थे क्षमा कर दे, अगली बार शिकायत का गलती का मौका नहीं होगा, अगली बार ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। माता कहती है मैं कह रही हूँ लौट जाओ। बाबा कहते हैं देख मेरी बात को समझ, अब गलती नहीं करूंगा, मैं भूल गया था। आगे आगे मैया पीछे पीछे बाबा धीमे 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 धीमे। एक दिन भोली भंडारी और वन की व्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आगे आगे मैया पीछे पीछे भंडारी भाई पहुंच गए बंसी भट्ट के मेन गेट पर जहां पर ललता विशाखा सीला और वशी चारों लड़कियां लगी हैं। ललता पार्वती से बोलिए कौन हो कहां से आई हो? पार्वती कहने लगी आई जी टीमों को नहीं जाने। जवाब दिया मैं नहीं जानती, कृष्ण का आदेश है कि पर्चे लेकर ही अंदर घुसने देना, कौन हो तुम? पार्वती कहने लगी अरे बहना मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ, कैलाश पर्वत से, मेरा नाम पार्वती हो? पार्वती भोले बाबा की? बोले हाँ। अच्छा ठीक है जाओ जाओ। पार्वती को तो एंट्री मिल गई है, बाबा खड़े लंबो से घूंघटा लगाए। एक लड़की बोली ए बहुरिया कहा नाम है तेरो और कहा नाम है तेरे उनको जरा बोल। अब बाबा सोचने लगे अगर मैं बोलो तो बोल खुल जाएगी, मैं क्या करूं? एक लड़की बोली बहना बोले हाँ मो को एक संदेह है रे ओए। बोले कहा इतनी लंबी अपने संग की सहेली कोई है ही ना, जो कितनी लंबी? दूसरी कह लगी चल पागल जा में कोई संशय नहीं करते हैं, है सकते बेचारी कोई नई नौशरो ब्याह ब्याह है कि आयो है कोई नई नौशरी होवे। तीसरी बोली बहना बोले हाँ चलो जी बात सही है तुम्हारी, लेकिन एक बात है। बोले हाँ जाते न्यो कहो ना जाको कौन सो जेठ है कौन सो ससुर है ताके लिए तुनो लंबो घूंघटा लगाए खड़ी है, जाते न्यो कहो पो घूंघटा खोल ले। लड़की बोली कि मुखड़ा छुपा की काही आई री बहुरिया जरा बोल बोल घूंघटा खोल खोल मुखड़ा देखन दे देखन दे मुखड़ा छुपा की काही आई री बहुरिया। बाबा ने ट्रस से मसवे। एक लड़की बोली जी जी। बोले हाँ एक काम कर, कहा जाको घूंघटा ऊपर कर और जैसे ही सुनी घूंघटा ऊपर कर बाबा ने अंदर से कस के घूंघटा पकड़ लिया चल कर ऊपर। इधर मन ही मन में भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती लौटिया पार्वती लौटिया पार्वती लौटिया। इधर पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो महाराज में बाबा है ही नहीं। पार्वती एकदम दौड़ के आई ए ललता जाको काय को घेरे खड़ी है। ललता कह लगी जी जी जो अपनो पतो नहीं दे रही है कौन की है कहा नाम है जाको कहाँ से आई है। अब पार्वती ने धीमे से बाबा में कौन ही मारी बताओ मना करे थी हैं बताओ कहाँ गए। बाबा ने धीमे से कह दी जो ते मन में आए सो कह दे लेकिन यहाँ तक फंद छुड़ा ले। मैया बोली ठीक है चुपचाप खड़े रहियो। बोले हो पार्वती बोली ललिता बोले हाँ अरे तू जाने नहीं जो कौन है
बोले जीजी मैं नहीं जानू कौन है, तेरी कोई रिश्ते में है का? अरे बाबरी रिश्ते में नहीं जब मैं नहीं है। बोले कौन तेरी? पड़ोसन। अरे बाबरी पड़ोसन नहीं ये मेरी है। बोले कौन? अरे राम राम मेरे मेरो लाला है ना लाला। बोले कौन? अरे बोई। बोले कौन? कार्तिका कार्तिका। बोले हाँ सुन जीजी तो को नहीं मालूम है कि मेरे लाला की बहुरिया मानो तो सखी मेरी लहुआ की बहुरिया ब्याह कर लियो तुमने मुझे बुलायो भी नहीं। पार्वती बोली जीजी का बताऊं बीच में तनी बीमार पड़ गई कि बाबा की भंगिया गोटन बालो भी कोई ना। और जीजी तो को तो मालूम है कि बाबा एक भी दिन बिना भंगिया के रह नहीं सके। तासु जीजी